आपका नेटिव नेटिव ऐसे इंडिया है, लेकिन आप और लंदन में ज़्यादा रहिए। यस, मैं बॉर्न ब्रॉट अप लंदन में और अभी मैं बेस्ड हूँ मुंबई में। तो आपको ये इंडिया में आने का या इंडियन फिल्म करने का ये कैसे आया? मुझे बचपन से बहुत शौक था और मैं बस बहुत शौक थी कि मुझे एक्टिंग भी करना है मेरी लाइफ में, तो मैं चली आई मुंबई। कैसे रहा स्टार्टअप, कैसे रहा? अच्छा रहा है, मुश्किल तो है ही, पर वो तो हर फील्ड मुश्किल है, पर बहुत अच्छा रहा। क्योंकि आपने बॉर्न एंड ब्रॉट इंग्लिश में किया है सब, और हिंदी लैंग्वेज में आपको एक्टिंग भी करना है, पूरा एग्जीक्यूशन करना है। मैं वैसे भूल गुजराती और मैं बचपन से गुजराती बोल पाती थी, हिंदी बिल्कुल नहीं आती थी, तो मैं जब मुंबई शिफ्ट हुई तो मैंने सबसे पहले हिंदी सीखी, उसके बाद ही मैं कुछ कर पाती। तब आप हिंदी और गुजराती दोनों फिल्मों में काम करती? यस, हिंदी और गुजराती। तो अब क्या सोचती है, कैसे फिल्म इंडस्ट्री का माहौल और फिल्म इंडस्ट्री में जो कर रहा है कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा है, अभी तक तो सफर बहुत अच्छा रहा है, अच्छे लोगों को मिल पा रही हूँ मैं। हेलो, हाँ आगे से देखते हैं। हेलो हेलो, वैसे आप फॉरेन से आई हो, बहुत एडवांस मॉडर्न लाइफ से आई हो, और इंडियन कल्चर, ये दोनों का मेल जमाने में आपको कैसे लग रहा है, कैसे मैं फॉरेन में बॉर्न ब्रॉट अप हूँ लेकिन मैं हूँ इंडियन, तो मेरे पेरेंट्स ने ऑलवेज मुझे ब्रेकअप किया है वो कल्चर्स के साथ ही, ऐसा नहीं कि वेस्टर्न में बॉर्न ब्रॉट अप है तो वेस्टर्न जैसी है, ऐसा भी नहीं है, तो इंडिया आके मुझे एकदम जम गया। और मुझे अच्छा लगता है कि इंडिया में अपने लोग होते हैं, तो वो बहुत मुझे अच्छा लगता है, मुझे एक्चुअली इंडिया से बहुत प्यार है। अपनापन है जो उधर नहीं था वो भी इधर मिला है, तो देट वॉज द चेंजेस वॉट शी इज गोइंग थ्रू। आप इंडियन वुमेंस को कैसे देखती है, जैसे आप अभी फॉरेन में रह चुकी हैं, जितना कल्चर ओपन है, जितना वल्गर है, इंडियन कल्चर जो है, इंडियन वुमेंस जो है, उसको कैसे देखती है? सी, आज तो अभी ज़माने में ऐसा कुछ रहा नहीं है, ऐसा लग रहा है कि इंडिया भी वेस्टर्न कल्चर ही फॉलो कर रहा है, ऐसा नहीं है कि वो कल्चर्स के हिसाब से भी अभी चल रहा है, ये पूरा जनरेशन चेंज हो गया है, जैसे पहला जनरेशन था वैसा नहीं रहा है, पहला जनरेशन में बहुत ज़्यादा कल्चर था, अब वो कल्चर नहीं रहा। आई थिंक ये इसके वजह से है क्योंकि लेडीज़ भी काम कर रहे हैं, मैन भी काम कर रहे हैं, तो वो सब इक्वल हो गया है, और ये वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आप क्या करेंगे? वुमेन एम्पावरमेंट के लिए मैं कहूँगी कि बहुत स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, और आई फील के इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि आज के ज़माने की लड़कियाँ अपने फुट फॉरवर्ड करें, क्योंकि पहले ऐसा पहले ऐसे था कि मैन काम करते थे, पैसे कमाते थे, लेडीज़ घर में बैठ के खाना पकाते थे, अभी ऐसा नहीं है, तो अभी सब इक्वल हो। लंदन में भी आप देखो तो सी यहाँ पे हेल्प, डोमेस्टिक हेल्प मिल जाती है, लंदन में नहीं मिलती है, तो जो भी हस्बैंड वाइफ होते हैं दोनों काम करते हैं, दोनों कमाते हैं, और फिर घर का काम भी दोनों ही करना पड़ता है। वुमेन शुड बी स्ट्रॉन्ग, एंड ऐसा है, आप देखो वेब सीरीज जैसे निकल रही है सब वुमेन एम्पावरमेंट। इंडियन कल्चर में वो नहीं है, इंडियन में वुमेन उतनी अभी तक फॉरवर्ड नहीं हुई है, उतनी फॉरवर्ड नहीं हुई, लेकिन ये जनरेशन हो रही है, नया जनरेशन डेफिनेटली हो रही है, एंड अच्छे के लिए है। आपने जो किताब हासिल किया है, मिस इंडिया, तो उसके बारे में कुछ बताइए। यस, तो मैं बैंगलोर में थी पैजेंट के लिए, पैजेंट बैंगलोर में थी, तो मिस इंडिया मिस सुपर टैलेंट 2017 और मैं जीत गई, तो जीतने के बाद मुझे साउथ कोरिया जाना था इंटरनेशनल पैजेंट के लिए, तो मैं उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी अगेंस्ट द वर्ल्ड, तो मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, 3 हफ्ते में गई थी साउथ कोरिया, एंड बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए और मुझे बहुत अच्छा लगा, और उसके वजह से मैं काफ़ी पैजेंट को जज कर रही हूँ, अभी ऑडिशंस जज कर रही हूँ, अभी आ रहा है मिस फर्स्ट स्टार, तो मैं वो जज कर रही हूँ, तो अच्छा लगा मुझे बहुत। तो ये आप इस सेक्टर में आने वाली लड़कियों के लिए क्या कहेंगे, आप क्या करना चाहिए, क्या? सबसे पहले तो मेरे हिसाब से तो ईमानदारी, ऑनेस्टी और हार्डवर्क से काम करना चाहिए, बहुत ऐसे चीज़ें हैं ये इंडस्ट्री में जो लड़कियों को फेस करना पड़ता है, वो नहीं करना चाहिए, काम मिलता है, बस आप लगे रहो,
बस कोशिश करो कि काम मिल जाए और अच्छा मिल जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं। सो आई फील अगर आपको सीरियसली करना है तो आप करना चाहिए। अभी कुछ अपने फिल्मों के बारे में बताइए जो हिंदी में आपने दो फिल्में की। हाँ मैंने एक गुजराती में की, उसका नाम है एंग्री फैमिली, तो वो लास्ट ईयर रिलीज हुई थी। अभी जस्ट मैंने किया एक हिंदी फिल्म जो अभी एडिटिंग में है, तो मैं अभी नाम नहीं बता सकती क्योंकि अभी अभी जस्ट शूट हुई है। तो वो एक्चुअली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स के लिए है, तो वो एकदम वेस्टर्न कल्चर का मूवी है। तो मैं वो मूवी पर बहुत होपफुल हूँ और आई एम होपिंग कि ये इंटरनेशनली चली जाए तो मेरे लिए भी अच्छी। अभी तक जो रोल किया आपने किस टाइप के रोल थे? सबसे गुजराती फिल्म में तो मैं कॉलेज गर्ल प्ले करी थी और इसमें मैं एक ऑर्गेनाइजेशन की सेक्रेटरी प्ले करी थी, तो वो मेरे लिए बहुत स्ट्रांग रोल था क्योंकि मैं एक ही फीमेल थी पूरे मूवी में और मेरा कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग था। कौन से चैलेंजेस आते हैं इसमें आपको? चैलेंजेस ये था कि मुझे बहुत डोमिनेंट, मैं बहुत डोमिनेंट कैरेक्टर थी, तो मैं बिल्कुल CEO के नीचे थी, तो CEO जब नहीं थे तो सब मेरे हाथ में था पूरा ऑर्गेनाइजेशन, तो मेरे लिए बहुत वो चैलेंजिंग था कि मुझे वो अथॉरिटी दिखाना था। तो आपके आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था फिल्म इंडस्ट्री का या कोई आपके पास ट्रेनिंग नहीं था, फिर भी आप इस सेक्टर में कैसे सर्वाइव? मैंने स्टडी किया था, मैं जब लंदन में थी मैंने लैंडा भी किया था, लैंडा इज लंदन अकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड ड्रामेटिक आर्ट्स, और मैंने ड्रामा एंड थिएटर स्टडीज भी स्टडी किया था। तो ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल नहीं जानती थी, लेकिन हाँ यहाँ का तरीका अलग है वहाँ के तरीके से, लेकिन वो पिकअप हो जाता है काम करने का। आप भी लंदन में भी आपने किया है स्टडी? मैंने स्टडी की थी, स्टडी कोर्सेज किया है एक्टिंग और ड्रामेटिक्स करी थी, सो शी इज प्रिपेयर्ड फॉर दैट थिंग, बट इंडिया एंड लंदन इट्स लिटिल बिट डिफरेंट, बट शी इज यूज्ड टू दैट विद दैट शी इज गॉन थ्रू दैट। आप क्या सोचती हैं अभी इंडियन कल्चर या इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बारे में? इट्स ब्लूमिंग इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, मुझे लगता है कि बॉलीवुड इज वेरी बिग, इट्स वेरी बिग इंडस्ट्री। बॉलीवुड को छोड़ो साउथ, आप साउथ देखो टॉलीवुड, इट्स टॉलीवुड रीजन ही नहीं है अभी, आप अभी देखा जाओ तो लैंग्वेज ही है बट इट्स नॉट रीजनल, इट्स अ वेरी वेरी वर्सेटाइल इंडस्ट्री और लोग अच्छे कर रहे हैं दोनों इंडस्ट्री बॉलीवुड टॉलीवुड, और अभी तो मराठी गुजराती पंजाबी सब पिकअप हो रहा है, इसलिए चांसेस। अभी ऐसा है कि नाउ शी इज कम डाउन ओवर हियर एज अ गेस्ट, फर्स्ट टाइम शी इज कमिंग अप, इट्स अ ऑनर फॉर नासिक। नासिक में आने का प्रयोजन और नासिक के बारे में आपने क्या देखा अभी आज पूरे दिन में? नासिक में कौन सी चीज अच्छी लगी आपको? हाउ द हॉस्पिटैलिटी नासिक, वार्म पीपल। नासिक में बहुत वार्म था, एक्चुअली केतन जी ने मुझे बुलाया तो उनके कहने पे मैं आई हूं यहां पे, और आज मैं सिद्धार्थ रांदेरिया सर का प्ले देखने वाली हूं क्योंकि मैं वहां पे भी मैं गेस्ट के तरीके से आई हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड नासिक अभी तक दो दिन थी एंड मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड लोग भी बहुत अच्छे हैं, जितने लोगों में मिली हूँ अभी तक हॉस्पिटैलिटी लोग बहुत अच्छे हैं। और अभी ऐसा है कि शी इज गॉट सम फ्यूचर प्रोजेक्ट्स कमिंग अप बट व्हिच शी कैन नॉट डिस्क्लोज एट द प्रेजेंट बिकॉज़ शी इज शॉर्टलिस्टेड एंड व्हिच इज अ वेरी बिग नेम, सो इट्स बॉलीवुड वी टच वुड वी डू नॉट डिस्क्लोज इट नॉर शी डज इट, so very shortly you will come across something big news from her also, and maybe something is working in my side, it happens, yeah. She is very much over there, let's see. All the best to you. Thank you so much. Thank you so much.